एक तरफ चीन जहां अपने देश में गरीबी पूरी तरह से ख़त्म होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के भिखारी दिन प्रतिदिन आधुनिक होते जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के भिखारी इन दिनों भीख मांगने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन में तकनीकी काफ़ी उन्नत है और यहाँ के लोग कैश के बजाय कार्ड लेकर चलते हैं। ऐसे में भिखारियों को पैसा नहीं मिल पाता था। चीन के भिखारियों के बारे में जिक्र करने के पीछे वजह है भारत के सर्वोच्च अदालत में आई एक याचिका। बता दें कि याचिका में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने के निर्देश देने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता का ऐसा कहना है कि अगर भीख मांगना अपराध हो जाएगा तो लोगों के पास वाकई में भूखे मरने या क्रिमिनल बन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत कुछ राज्यों से जवाब मांगा है। भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के 5 राज्यों से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 राज्यों से जवाब मांगा है उसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा शामिल है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 बताई गई थी, जो अब बढ़ी होगी। भीख मांगने वाले ही हो गए डिजिटल। दोस्तों, चीन में डिजिटल क्रांति के कारण यहां के भिखारी भी आधुनिक हो चुके हैं। इस देश के भिखारी अपने साथ ई पेमेंट की सुविधा लेकर चलते हैं ताकि कोई छुट्टे पैसे ना होने का बहाना ना कर सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भिखारी QR कोड के साथ एक पेपर लेकर शहर के पर्यटन स्थलों पर, शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर काफ़ी सैलानी और स्थानीय लोग भी आते रहते हैं। ऐसे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिल पाती है। बता दें कि चीन की 2 सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनियां इस काम में भिखारियों की मदद करती हैं, एलपे और बीचैट। वॉलेट में भिखारियों से संगठन 60-गांठ कर ली है। भिखारी जैसे ही QR कोड की मदद से पैसे लेते हैं तो देने वालों का डाटा कंपनियों के पास चला जाता है। इन कंपनियों के द्वारा इस डाटा का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों या फिर ऐसे ही किसी फायदे के लिए किया जाता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी साल की शुरुआत में अपने देश को गरीबी मुक्त घोषित किया है। ऐसा दावा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन चुका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयानों के मुताबिक 70 के दशक से अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद से 770 बिलियन गरीबों को आर्थिक खुशहाली मिल सकी है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें।